किसी भी SBI के ATM डिपॉजिट मशीन से अपने अकाउंट में पैसे जमा करने के लिए जाएंगे तो आप कैसे पता करेंगे उस ATM डिपॉजिट मशीन के अंदर आप किन किन नोटों को डाल सकते हैं। इसके लिए आप SBI के ATM डिपॉजिट मशीन के स्क्रीन पर यहाँ पे कार्डलेस कैश डिपॉजिट का ऑप्शन मिलेगा, उसके ठीक सामने बटन दबाएंगे। दबाने के बाद अगला ऑप्शन इस प्रकार से आएगा, यहाँ पे देखिए लिखा है प्लीज सिलेक्ट लैंग्वेज। यहाँ पे आप अपनी भाषा चॉइस करेंगे किस भाषा में आगे बढ़ने वाले हैं। इसके बाद आप यहाँ पे अगले ऑप्शन में आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको अपना 10 अंकों का कोई भी एक मोबाइल नंबर डाल देना है। यह जरूरी नहीं है जो मोबाइल नंबर डालेंगे वो आपके बैंक अकाउंट से लिंक हो। डालने के बाद आपको यहाँ पे करेक्ट पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे अगला ऑप्शन आएगा, देखिए यहाँ पे लिखा है प्लीज सेलेक्ट अकाउंट टाइप। यहाँ पे जो भी आपका अकाउंट हो, चाहे सेविंग हो या करेंट हो, वो चॉइस करेंगे आप। जैसे अपना अकाउंट टाइप चॉइस करेंगे इस प्रकार से अगला ऑप्शन आएगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ मिल रहा है प्लीज इंटर 11 डिजिट बेनिफिशरी अकाउंट नंबर। अब यहाँ पे आपको वो अकाउंट नंबर डालना है जो जिसमें आप पैसे जमा करने वाले हैं, आप वह अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे डाल देना होगा। अकाउंट नंबर डालने के बाद अब यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे इफ करेक्ट के ठीक सामने वाला बटन आप दबा देंगे आगे बढ़ने के लिए। दबाने के बाद अब यहाँ पे देखेंगे तो जो अकाउंट नंबर आप डाले रहेंगे उस अकाउंट होल्डर का नाम, उसकी सारी डिटेल वगैरह यहाँ पे आपको शो हो जाएगी। मैं सिक्योरिटी रीजन की वजह से आपको नहीं दिखा सकता। अब शो होने के बाद सारी चीज़ें सही हैं तो आप यस के ठीक सामने बटन दबा देंगे। दबाने के बाद अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ये बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसमें आप पैसे डाल सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे 100 रुपये, यहाँ पे 500 रुपये, 2000 रुपये, 200 रुपये के नोट आप इस ATM डिपॉजिट मशीन से जमा कर सकते हैं। ये मैं अपना दिखा रहा हूँ तो इसमें आप इन नोटों को जमा कर सकते हैं। इसी प्रकार से जब आप किसी भी SBI के ATM डिपॉजिट मशीन पे जाए अपने अकाउंट में पैसे जमा करने के लिए, तो आप इसी प्रकार से सबसे पहले चेक कर ले, अगर यहाँ पे 500 रुपये और 200 रुपये के नोट यहाँ पे लिखे होंगे, यहाँ पे इसी दो नोट को जमा कर पाएंगे। अगर यहाँ पे 500 रुपये और 200 रुपये लिखा होगा तो अगर आप चाहेंगे तो यहाँ पे 100 रुपये जमा करना, तो आप जमा नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे जिन नोटों को लिखा रहेगा उन्हीं नोटों को आप जमा कर सकते हैं उस ATM डिपॉजिट मशीन से जहाँ पे आप जाएंगे पैसे जमा करने के लिए। इसी प्रकार से आप जरूर चेक कर लें। हाँ, अगर आप जो नोट नहीं लिखा हुआ है आप उसे बार बार जमा करने का प्रयास करेंगे तो इसकी वजह से आपका पैसा फंसता है और उस पैसे को आपको पाने के लिए आपको थोड़ी बहुत दिक्कत हो जाती है, क्योंकि बैंक वगैरह में कंप्लेन देनी होती है। तो यही सारी जानकारी थी। इसी प्रकार से आप चेक कर सकते हैं जब कभी आप SBI के ATM डिपॉजिट मशीन से अपने अकाउंट में पैसे जमा करने के लिए जाएँ।